डिवाइड करा तो b प्लस a आ जाएगा, यानी योगफल ऊपर रहेगा और
वुडन फुट नीचे रहेगा, तो आप सिंपल से याद कर लो कि कभी भी योगफल और गुणनफल दिया हो और आपसे व्युत्क्रम का योग पूछे तो योगफल ऊपर गुणनफल नीचे, तो यहाँ पे योगफल है 11 और गुणनफल है 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 11/18। सेम क्वेश्चन दूसरा है, दो संख्याओं का योग एवं गुणनफल 12 एवं 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम बोला उल्टा, आपको ऑलरेडी बता गया है कि योगफल ऊपर गुणनफल नीचे, तो 12 है योगफल गुणनफल है 35, तो व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा 12/35। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो संख्याओं का अंतर 14 है एवं योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? यानी दो संख्याओं का डिफरेंस आपको 14 दे रखा है एंड योगफल आपको 20 दे रखा है, तो उनका गुणनफल निकालना है। तो देखो, हमने मान लिया कि संख्या ए भी थी, दोनों का अंतर यानी ए माइनस बी 14, योगफल यानी ए प्लस बी 20। अब आप क्या करो, अगर कभी भी बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ कर 2 से भाग, तो 20 और 14 को जोड़ दिया तो 34 और 2 से भाग दे दिया तो 17। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो घटा कर 2 से भाग, 20 में से 14 घटा दिया तो 6 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो पहली संख्या भी 17, दूसरी संख्या भी 3, 17 × 51, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पहले 3 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे, हर कोई बच्चा इसको जानता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, और तीसरी तथा पहली का गुणनफल यहाँ से आप यहाँ जाओ 48 है, तो तीनों संख्याएं क्या हैं? तो देखो, पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी गुणनफल 56, तीसरी पहली गुणनफल 48। हमने क्या करा, तीनों को गुणा कर दिया, तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, 42 × 56 × 48। 42 के दो टुकड़े किए, 6 7 42 7 8 56 48। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसी तरह 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे सी देना चाहिएगा, सी का वैल्यू 8, ठीक है। अब देखो, ये तो थे योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग सब लोग ही जानते हो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अपन जान लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल कहलाता है, और भाग देने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। डिविजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिविजर है, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड है, जितनी बार डिवाइड होता है वो कोशेंट है, और डिवाइड होने के बाद जो कुछ बचता है वो रिमाइंडर है। तो इन चारों में रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 हो जाए। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर दो आप, 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी 1265 भाज्य हो गया, किससे भाग दें, x से भाग दें कि भागफल 84 हो जाए और शेष 5 हो जाए। तो 1265 में से 5 जाएगा तो 1260, और 84 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी अगर हम 15 से भाग देंगे 1260 में तो भागफल 84 आएगा और शेष 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त हुई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सिंपल सी बात है, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप क्या करो, जिस कोई घटाने या जोड़ने की बात आए तो संख्या से भाग दे दो। तो हमने 13 से इसमें भाग दे दिया तो शेष कितना बचेगा 5, यानी शेष वो एक्स्ट्रा चीज है, उसे हटा दो तो ये क्या हो जाएगा 13 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है,
यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना, इस तरह का कभी सवाल आए तो डायरेक्ट शेष में भाग दिया दे दिया करो, तो शेष कितना है 45 और दे देना कैसे होगा 23 से, तो 23 का हम 45 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 22, तो आंसर क्या हो जाएगा 22। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो यहाँ पे उसने बोला कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और भाजक भागफल का 2 गुना है और भाज्य का मान ज्ञात करना यदि शेष 30 हो। तो देखो भाजक हमें दे रखा है भागफल का 5 गुना और भाजक शेष फल का 2 गुना भी दे रखा है, शेष का वैल्यू है 30 तो भाजक कितना हो जाएगा 60, और भाजक है 60 और 60 क्या है भाजक भागफल का 5 गुना, तो हम 5 में भाग दे दिए तो भागफल कितना आ गया 12। अब हम जानते हैं भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो 12 6 72 720 प्लस 30 कितना हो गया 750। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, अभी हम रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जिससे मोटिवेशन बना रहे जोश आता रहे और लगातार हम वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, और जिस भी टॉपिक पे यदि आपको समझना हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।